मैं नस्ली हूं, असली हूं, असूलों पे खड़ा हूं। जो भी पीटीआई का वर्कर है, अगर वो हलाली, उस पे जिम्मेदारी है हमारे साथ जो जुल्म हो रहे हैं कि वो 56 और 57 में कलम दवात को वोट दें। जो पीटीआई का वर्कर 56 और 57 में कलम दवात को वोट नहीं देगा, वो पीडीएम का वर्कर होगा। और हमारे साथ हमने चिल्ले काटे हैं, हमने 23 दिन के तशद्दुद से हैं, हमने 40 दिन का चिल्ला काटा है, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अगर कोई ये साबित कर दे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम उसी वक्त सियासत छोड़ देंगे। 56 और 57 आप पे कौमी फर्ज है, ईमान की हद तक, कुरान और ईमान और खुदा के। जो कुछ हमने कुर्बानी दी है उसका हम सिला मांगते हैं पिंडी से कि 56 और 57 में कलम दवात को वोट दें। हम जेल से इलेक्शन लड़ेंगे, हम शायद आज जेल चले जाएं, जेल के अंदर से भी इंशाल्लाह कलम दवात कामयाब होगी। और जो पीटीआई का वर्कर कलम दवात को रावलपिंडी में वोट नहीं देगा, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, वो दुश्मनों के हाथ मजबूत करेगा। मैं नस्ली हूँ, असली हूँ, असूलों पर खड़ा हूँ। जो भी पीटीआई का वर्कर है, अगर वो हलाली, उस पे जिम्मेदारी है हमारे साथ जो जुल्म हो रहे हैं कि वो 56 और 57 में कलम दवात को वोट दें। जो पीटीआई का वर्कर 56 और 57 में कलम दवात को वोट नहीं देगा, वो पीडीएम का वर्कर होगा। और हमारे साथ हमने चिल्ले काटे हैं, हमने 23 दिन के तशद्दुद से हैं, हमने 40 दिन का चिल्ला काटा है, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अगर कोई ये साबित कर दे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम उसी वक्त सियासत छोड़ देंगे। 56 और 57 आप पे कौमी फर्ज है, ईमान की हद तक, कुरान और ईमान और खुदा के। जो कुछ हमने कुर्बानी दी है उसका हम सिला मांगते हैं पिंडी से कि 56 और 57 में कलम दवात को वोट दें। हम जेल से इलेक्शन लड़ेंगे, हम शायद आज जेल चले जाएं, जेल के अंदर से भी इंशाल्लाह कलम दवात कामयाब होगी। और जो पीटीआई का वर्कर कलम दवात को रावलपिंडी में वोट नहीं देगा, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, वो दुश्मनों के हाथ मजबूत करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, और इंशाल्लाह ताला कलम दवात जिंदाबाद, कलम दवात जिंदाबाद, कलम दवात जिंदाबाद।